वेलकम टू HPH ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सतीश कुमार प्रभाकर फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। हम आप लोगों को अग्रदिक्मान व पश्चिदिक्मान के न्यूमेरिकल बताएंगे। पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल एक दो बताए थे, हमें नहीं लगता कि समझ में आया होगा, ठीक है, इसलिए हम पुनः इस पर वीडियो बना के इसके पूरे न्यूमेरिकल को बताएंगे, कैसे न्यूमेरिकल इसमें लगता है। फोर बीरिंग दिया है तो बैक बीरिंग कैसे निकलेगा, बैक बीरिंग दिया है तो फोर बीरिंग कैसे निकलेगा, ठीक है, इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है, अगर WC में भी दिया है तो कैसे उसको उसमें कन्वर्ट होगा बैक बीरिंग में, अगर RB में दिया है तो उसको बैक बीरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कैसे उसका निकालते हैं, ये हम बताएँगे आप लोग, ठीक है। चलिए हम रिव्यू देख लेते हैं कि फोर बीरिंग क्या होता है, बैक बीरिंग क्या होता है। तो हम बताए थे, ठीक है, कार के प्रगति दिशा में मापा गया कोण क्या होता है, फोर बीरिंग होता है, और कार के विपरीत दिशा में मापा गया कोण क्या होता है, बैक बीरिंग होता है, ठीक है। θ1 फोर बीरिंग ऑफ लाइन AB, θ2 बैक बीरिंग ऑफ लाइन AB, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग, ठीक है, क्या रिलेशन होता है फोर बीरिंग और बैक बीरिंग में, ठीक है। बैक बीरिंग बराबर फोर बीरिंग प्लस माइनस 180 अंश, ठीक है, तो बैक बीरिंग बराबर फोर बीरिंग प्लस माइनस 180 अंश। प्लस कहाँ रहेगा, माइनस कहाँ रहेगा, ये हम पहले बता चुके हैं, फिर से बता दें हैं, जब हमारा वेन फोर बीरिंग ग्रेटर देन 180, ठीक है, तब हमारे यहाँ पे निगेटिव साइन रहेगा, ठीक है, निगेटिव साइन। फोर बीरिंग लेस देन 180, तो यहाँ पे हमारा प्लस साइन रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है। जब हमारा 180 से अधिक है तो हमारा माइनस रहेगा फोर बीरिंग, और फोर बीरिंग जब वो 180 से कम रहेगा तो हम माइनस पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल देख ले हैं। WC में अगर कोई दिया है फोर बीरिंग हमारा, ठीक है, फोर बीरिंग दिया है, ठीक है, इसका बैक बीरिंग हमें कैसे निकाल, ठीक है, फोर बीरिंग दिया है, ठीक है, इसका बैक बीरिंग कैसे निकाल, AB का फोर बीरिंग दिया है तो AB का बैक बीरिंग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए FP ऑफ अ लाइन AB बराबर कितना है, 63 अंश 30 मिनट, तो बैक बीरिंग ऑफ लाइन AB क्या होगा। यहाँ पर समझने वाली बात ये है, हमारा फार्मूला जो होता है बैक बीरिंग बराबर फोर बीरिंग प्लस माइनस 180 अंश, हम बताए थे जो फोर बीरिंग है हमारा 180 से अधिक रहेगा तो हमारा क्या होगा, माइनस साइन होगा, अगर कम है तो हमारा प्लस साइन होगा, तो यहाँ पर हमारा 180 से यहाँ पे बिलो है 180, ठीक है, 180 अंश से कम है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, तो 63 अंश 30 मिनट प्लस 180, ठीक है, तो हम जोड़ लेते हैं 30 मिनट, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 8 6 14 2 243 अंश 30 मिनट, ठीक है, ये 30 हो जाएगा, 3 6
6 6 12 13 14 और 1 2 243 है कि ये हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा ये पहला हो गया, दूसरा 4 बीरिंग ऑफ अ लाइन बी सी दिया है 112 अंश 45 मिनट। ठीक है, ये भी हमारा क्या है 180 से छोटा है, तो यहाँ भी हमारा पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, 112 अंश 45 मिनट प्लस 180 अंश। ठीक है, तो 45 मिनट 2 अंश 8 9 2 2 292 अंश 45 मिनट। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। 4 बीरिंग ऑफ लाइन सी डी 203 अंश 45 मिनट। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 180 से हमारा अधिक हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन होगा। ठीक है, माइनस साइन रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 203 अंश 45 मिनट माइनस 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 45 से यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 23 अंश 45 मिनट। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा देख लेते हैं, चौथा 4 बीरिंग ऑफ अ लाइन डी ई बराबर 320 अंश 30 मिनट। ये भी हमारा 180 से अधिक है, तो यहाँ भी माइनस साइन रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 320 अंश माइनस 180 अंश 30 मिनट 0 अंश, ये 12 में से 8 4 12। ठीक है, 140 अंश 30 मिनट। ठीक है, ये हमारा निकल गया। ठीक है, अगर कोई डब्ल्यू सी भी हमारा दिया है 4 बीरिंग, तो उसे वैग बीरिंग निकालना पता दी, समझ में आया होगा। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं। अब अगर हमारा आरबी में दिया है तो हम उसका वैग बीरिंग कैसे निकालें। ठीक है, ठीक है, ये हमारा दिया है दिक्मान, ये गलती से लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया है लाइन दिया है, 4 बीरिंग दिया है। ठीक है, पहला हम ले लेते हैं। ठीक है, यह बी ऑफ लाइन ए बी बराबर हमारा कितना हो गया साउथ 30 अंश 30 मिनट
एस, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसका बैक बीरिंग कैसे निकलेगा, बैक बीरिंग ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। अगर हमारा साउथ दिया है तो हमारा यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट दिया है तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ 30 अंश 30 मिनट वेस्ट, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं हमारा, ठीक है। फोर बियरिंग ऑफ लाइन बीसी बराबर नॉर्थ 40 अंश 30 मिनट वेस्ट। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें डायरेक्शन को चेंज करना है, ठीक है। बैक बीरिंग ऑफ लाइन बीसी, जहाँ हमारा नॉर्थ है वहाँ पे साउथ हो जाएगा, और जहाँ पे वेस्ट है वहाँ पे हमारा ईस्ट हो जाएगा। इसमें एक सबसे अगर हमारा कोई चीज़ आरबी में दिया है तो बहुत आसान है, इसमें उसको हम क्या कहते हैं, फोर बीरिंग को बैक बीरिंग में निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, केवल उसका डायरेक्शन हमारा चेंज कर देंगे, जस्ट अपोजिट में उसका डायरेक्शन लिख देंगे, ठीक है। जैसे साउथ का है उसे नॉर्थ में कर देंगे, नॉर्थ का है उसे साउथ में कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, साउथ फोर बीरिंग ऑफ लाइन सी डी बराबर साउथ 60 अंश 15 मिनट वेस्ट, ठीक है। तो इसका बैक बीरिंग कैसे निकलेगा, ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। तो इसमें जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ कर देंगे 60 अंश 15 मिनट, और जहाँ वेस्ट है वहाँ ईस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, एक और बचा है, फोर बीरिंग ऑफ लाइन डी ई, ठीक है। तो इसका क्या होगा, नॉर्थ 45 अंश 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, 30 मिनट। इसका बैक बीरिंग कैसे निकलेगा, ऑफ लाइन डी ई, नॉर्थ है तो वहाँ साउथ हो जाएगा 45 अंश 30 मिनट, और जहाँ ईस्ट है वहाँ वेस्ट, ठीक है। ये हमें बहुत आसान है, ठीक है। जहाँ हमारा साउथ है वहाँ नॉर्थ हो जाएगा, जहाँ ईस्ट है वहाँ वेस्ट हो जाएगा, जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ हो जाएगा, जहाँ वेस्ट है वहाँ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इंक्लूडेड एंगल पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।